गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोग को बुक सेमेस्टर टू का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर वन आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो करने हमको वन डिजिट वाले करने, तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब हम मल्टीप्लिकेशन को जैसे बार बार जैसे ऐड करते हैं ना, जैसे टू वन या टू, फिर जब हम टू में टू ऐड करेंगे तो फोर आएगा, तो टू टू या फोर, फिर फोर में टू ऐड करेंगे तो सिक्स, है ना। ऐसे जब जो जो ऐड करते जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन आपका होता जाएगा। तो इन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड ए मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लाइड रिजल्ट इज कॉल्ड सम। तो आपका सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे टू सिक्स जे अगर हम यहाँ पे करते हैं ना, तो जो ये आपका टू है इसको क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये संख्या जिसमें हमको गुणा करना, तो इसको क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्या कहेंगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये इसको क्या कहेंगे सिक्स, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेशन को आपको जो है मल्टीप्लाई करना है ना। और जब यहाँ पे जैसे हम टू सिक्स या ट्वेल्व आया, टू सिक्स या ट्वेल्व, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सम कहेंगे। यहाँ पर जो योग आएगा आपका इसको हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे, समझ गए ना। तो जब हम इसमें और इसका जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इसको क्या कहेंगे सम। तो 2 को क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लायर, और यहाँ पे जब टोटल योग आएगा उसको हम क्या कहेंगे सम। तो इसी तरह है आपका पेज नंबर 86 बहुत ईजी है, उसको अच्छे से करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 कितने टाइम्स हैं आपका, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने टाइम है आपका, 5 टाइम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा मल्टीप्लिकेशन में, 4 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन के हम मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या है 4 कितने टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 4 5 जब हम क्या करेंगे 20 क्या हो गया आपका सम, है ना। यहाँ पे जो योग आएगा इसको क्या कहेंगे हम सम। तो इसी तरह ये भी आपका 2 कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, संख्या क्या है आपका नंबर 2, कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो 5 2 या क्या होगा आपका 10, ये क्या हो गया आपका सम। उसके बाद आपका 3 + 3 + 3 + 3, 3 है आपका 4 टाइम, तो आपका 3 + 3 + 3 + 3, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या हो गया 3, और मल्टीप्लायर कितने टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे सम कितना आएगा आपका 4 3 = 12, तो ये आपका हो गया सम नंबर। उसके बाद आपका 4 + 4 + 4 + 4, अब 4 यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर कौन सा है यहाँ पे, और कितने टाइम्स हमको यहाँ पे करना है 1 2 3 4, तो 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12 4 4 = 16, तो ये आपका क्या हो गया टोटल सम। तो अब ये वाले जो हैं अब जैसे है ना, ये वाले आप लोग अपने से करिए, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क हो गया, समझ गए ना आप लोग। वैसे